धन्यवाद सभापति जी। मैं जिस विषय को उठाना चाहती हूँ, ये विषय पूरे देश के लिए बहुत ज्वलंत विषय है और हमारे यहाँ देश में भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत सारी संस्कृति है। हम इन सभी संस्कृतियों को अपने आप में समेट के अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। हमारी संस्कृति बहुत समृद्धिशाली है, लेकिन माननीय महोदय, मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में लोकतांत्रिक परंपरा है। हम इस लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ष कई राज्यों में चुनाव होते हैं, देश में चुनाव होता है और हम इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। जो चुनाव होते हैं, ये हमारी लोकतांत्रिक परंपरा को और भी समृद्ध और सुदृढ़ करते हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं को हम सब मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के चुनाव के माध्यम से एक नई सरकार का गठन करते हैं, जो केंद्र में होता है, जो राज्य में होता है। लेकिन जब जब चुनाव होते हैं, राज्य में होने वाले चुनाव, प्रदेश में, हर राज्यों में जब ये चुनाव होते हैं तो ये अलग अलग समय पर होते हैं। बहुत बड़ी राशि का उसमें उपयोग होता है और बहुत बड़ी राशि का राज्यों में उपयोग होने के साथ साथ जब केंद्र का भी चुनाव होता है, माननीय सभापति जी, तो हमारी ये बड़ी राशि जो हम विकास पर लगा सकते हैं, ये सभी राशियाँ अगर हम एकत्रित करें तो इसका बहुत अनुपात बहुत बड़ा है। इस प्रकार से देश का संसाधनों का एक बड़ा उपयोग चुनाव में होता है। मैं आपसे, आपके माध्यम से इस सदन में इस बात को कहना चाहती हूँ कि हम एक साथ चुनाव कराने की दिशा पर विचार करें, एक साथ चुनाव कराएं। राज्य में अगर होने वाले चुनाव, केंद्र में होने वाले चुनाव और सभी प्रदेशों के चुनाव यदि एक साथ होते हैं तो भारत की संसाधनों का उपयोग समुचित हो पाएगा, जिसे हम विकास में ले सकेंगे। इतना ही कहती हूँ। धन्यवाद।